विश्व में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अमेरिका और चीन के बाद भारत कपास उत्पादन में तीसरे स्थान पर आता है। विश्व उत्पाद का लगभग 25% कपास अपने ही देश में उगाया जाता है। बाजार में मिलने वाले कीटनाशकों में लगभग 30% कीटनाशक कपास के लिए ही प्रयोग होते हैं। इतनी सतर्कता के बाद भी हमारी उत्पाद क्षमता विदेश की तुलना में कम है। यही कारण है कि भारत कपास का आयात और निर्यात दोनों करता है। कपास की फसल को 4 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। पहला, अंकुरण अवस्था 0 से 25 दिन। दूसरा, शाखाओं का विकास 26 से 50 दिन। तीसरा, फूल एवं टिंडे बनने की अवस्था 51 से 75 दिन। चौथा, टिंडों की परिपक्वता 76 से 120 दिन। अब आप देखेंगे क्या होता है कपास की पहली अवस्था में। अंकुरण अवस्था में कपास का पौधा जमीन पर अपनी पकड़ बनाता है। इस अवस्था में माहू और हरा मच्छर का आक्रमण होता है, जिस कारण पौधे बढ़ नहीं पाते। इस अवस्था में वातावरण में तनाव के वजह से जड़ें कमजोर भी हो सकती हैं। किसान भाई इस अवस्था में कपास की खेती को मजबूती देने के लिए 4 से 8 किलो PI का बायोवीटा प्रति एकड़ पहली खाद के साथ मिलाकर प्रयोग करने से पौधों को सुरक्षा और जड़ों को मजबूती मिलती है। कपास की दूसरी अवस्था, ये वो अवस्था है जिसमें पौधे में डालियां निकलने लगती हैं एवं पत्तों का फैलाव भी अधिक होता है। ये कपास के पौधों का तीव्रता से बढ़ने का समय है। ऐसे में भी माहू, थ्रिप्स और हरा मच्छर अपना प्रकोप बनाए रखते हैं। हरे मच्छर का जीवन चक्र 25 से 30 दिनों का होता है और ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं। हरे मच्छर कपास के पत्तों से रस चूसकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पत्तों के निचली सतह पर रहते हैं और पत्तों से रस चूसते हैं, जिस कारण पत्ते सूखकर नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। वातावरण के तनाव के वजह से जड़ की पकड़ ढीली होने लगती है। पौधे बीमार और मुरझाने लगते हैं। किसान भाइयों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए PI लाए हैं ओशीन। जापान में तैयार किया गया ओशीन बहुत ही कारगर उपाय है। PI का ओशीन अत्यंत घुलनशील होने के कारण तुरंत काम करता है। ये पौधे के तंत्र में पूरी तरह फैल जाता है। हरा मच्छर जैसे ही ओशीन के संपर्क में आता है तो वो तुरंत ही पौधे को नुकसान पहुंचाना बंद कर देता है। भोजन ना करने के अभाव में हरे मच्छर की मृत्यु हो जाती है। ओशीन ट्रांसलेमिनार क्रिया द्वारा पत्ती के आर पार हो जाता है और पत्तों के नीचे तक पहुंचकर नुकसान से बचाता है। PI का ओशीन बारिश में नहीं धुलता। यदि ओशीन के छिड़काव के 3 घंटे बाद बारिश आ जाए तो भी ये असरकारी तरीके से हरे मच्छर का नियंत्रण करता है। हरे मच्छर से नियंत्रण के लिए इस अवस्था में 60 ग्राम PI के ओशीन को 200 मिलीलीटर बायोविटा में मिलाकर बुआई से 30 से 35 दिन में प्रयोग करें। कपास की तीसरी अवस्था, कपास की खेती में ये अवस्था फूल और टिंडे आने की तैयारी की होती है। अगर पौधा शुरुआती दिनों में सुरक्षित था तो भी उस पर हरे मच्छर और गुलाबी सुंडी का हमला हो सकता है। ऐसी अवस्था में हरे मच्छर से नियंत्रण के लिए 60 ग्राम PI का ओशीन और गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के लिए 400 मिलीलीटर रॉकेट को 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के दर से बुआई से 45 से 55 दिन में छिड़काव करें, जिससे कपास को लंबे समय तक सुरक्षा मिलेगी। ओशीन के इस्तेमाल से होने वाले लाभ, फसल का बेहतरीन विकास, हरे मच्छर द्वारा पौधे पर नुकसान का तुरंत बंद हो जाना, हरे मच्छर पर लंबे समय तक नियंत्रण, किफायती। आइए एक बार फिर दोहराते हैं। 0 से 25 दिन, 4 से 8 किलोग्राम बायोवेटा प्रति एकड़ पहली खाद के साथ मिलाकर प्रयोग करने से आपको मिलती है पौधों की सुरक्षा और जड़ों की मजबूती। बुआई से 30 से 35 दिन में 60 ग्राम ओशीन के साथ 200 मिलीलीटर बायोवीटा का प्रति एकड़ 30 से 35 दिन के अंदर प्रयोग करें। बुआई से 45 से 55 दिन में PI के ओशीन को हरे मच्छर के लिए 60 ग्राम प्रति एकड़ और गुलाबी सुंडी के लिए रॉकेट का 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। इससे कपास को लंबे समय तक सुरक्षा मिलेगी। ओशीन के पहले स्प्रे से ही मिलती है फसल को मजबूत बुनियाद, तंदुरुस्त फसल यानी अधिक उत्पाद।